हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल तरंचल बर्ड्स में। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं और मेरा चैनल तरंचल बर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दें। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारी लव बर्ड्स के प्रोग्रेस को लेकर। वैसे तो बरसात का सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, इस समय कोई उतनी कोई खास प्रोग्रेस तो निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो केजेस से उसमें दो चार मटकियाँ छोड़ रखी थी, क्योंकि केज से मटकी निकल भी नहीं पाती है। और जल्द ही इनके लिए भी मैं एक छोटी सी कॉलोनी बनाने जा रहा हूँ अपने लवबर्ड्स के लिए। उसके ऊपर भी जो मैं वीडियो लाऊंगा उसको भी मैं बनाऊंगा, जब मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊंगा और आप सभी को उस चीज़ से अवगत भी करा दूंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, साइड में बेल आइकन के को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और इसमें से एक पेयर ने प्रोग्रेस दिखाई है और एक जो चिक्स है ना वो आज मटकी से बाहर भी आ गया, जो पीच फेस का आपने देखा होगा ग्रीन कलर में, पीच फेस का जो है स्टार्टिंग में। तो इसलिए ये देखिए, ये है वो चिक्स, बीक हल्की सी छोटी भी लग रही है इसकी, और ये पूरा बड़े मैच्योर होकर निकला है, क्योंकि इसके बीक में अभी कलर नहीं निकल रहा है, ब्लैक कलर। लेकिन थोड़ा सा ये फ्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये मटकी के अंदर ही था, मैं भी इसे देख नहीं पाया। तो मैं जल्दी इनके लिए भी एक कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दो हफ्ते के अंदर उसे भी कम्प्लीट कर दूँगा और इन्हें जल्द से जल्द उसके अंदर शिफ्ट कर दूँगा। तो ये देखिए मेरी प्रोग्रेस है मेरे लवबर्ड्स की, जैसा कि मैं मटकी हटा, क्योंकि केजेस में वगैरह में मटकी हटाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और अच्छे खासे मेरे पास 5-6 पेयर हैं टोटल कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने बीज, लोग कहते हैं कि इसमें बरसात में भी आपकी प्रोग्रेस आ रही है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि मैं ग्रीन वेजीज़ वगैरह टाइम टू टाइम डाइट चेंज करता रहता हूँ। आप केवल फीड पर अपने बर्ड्स को डिपेंड रखेंगे और कहेंगे कि ब्रीड कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। टाइम टू टाइम आपको समय के अनुसार आपको एंटीबायोटिक का कोर्स, मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम, ये एक सिक्वेंस में आपको चलानी पड़ेगी। और मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में एक पूरी डिटेल वीडियो मेडिसिंस के ऊपर, क्योंकि कैप्टिव ये बर्ड्स जो है हमारे कैप्टिविटी में रहते हैं, इनको कई चीज़ की कमी आती है। तो इसलिए आप कैल्शियम ब्लॉक में, आप सभी से बार बार कहता हूँ कि आप कैल्शियम ब्लॉक अपने केज में ज़रूर रखें। हफ्ते में एक बार ग्रीन वेजीज़ वगैरह, पालक वगैरह, भिंडी वगैरह, जो चीज़ भी ग्रीन अवेलेबल, मैं कह नहीं रहा हूँ कि स्पेशली आप खरीदें, लेकिन जो भी ग्रीन वेजीज़ हैं वो दे दें। उससे होता है क्या, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो स्ट्रांग हो जाता है और इनको जो भी रिक्वायर्ड विटामिन वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं इनको। और जो सीड मिक्स दें वो भी केवल एक सिंगल सीड मिक्स ना दें, मिक्स करके दें। मैं कई बार वीडियो भी बनाई है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करिए, उसमें भी आपको वीडियो दिख जाएगी मिक्स सीड मिक्स के ऊपर। केवल आप कंगनी या गिनारा जिसे हम कहते हैं वो आप देंगे, उसमें केवल के ऑयली सीड्स हैं और जो प्रोटीन्स वगैरह वही मिलेगा। इसके अलावा आप उसमें, मैं पैडी भी मिक्स करता हूँ, बाजरा भी मिक्स करता हूँ कुछ क्वांटिटी में, और कुछ क्वांटिटी में मैं उसमें जौ भी मिक्स करता हूँ, क्यों जौ से होता है क्या इनका पेट वगैरह साफ़ रहता है, कभी भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो गई या फिर लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई वो नहीं होगी। और शाम को डेली आप पानी हटा दें समय से, और जो भी पानी दें वो साफ़ बर्तन में दें। तो ये सब चीज़ आप करेंगे तो आपको प्रोग्रेस नो डाउट ज़रूर मिलेगी। और ये देखिए मेरे बर्ड्स के कलर, देखिए फैदर से ही पता चल जाता है बर्ड्स कितना ज़्यादा हेल्दी है और कितना ज़्यादा अनहेल्दी है। प्लस केज की सफाई, आप सफाई पे ध्यान दें। ये देखिए मैंने वैसे तक केज इनका ऊपर रख रखा है, नीचे कोई भी गंदगी वगैरह हैंग नहीं होती है। बरसात की वजह से थोड़ा बहुत कीड़े वगैरह आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं मेडिसिन वगैरह देख रहा हूँ और जल्द से जल्द उसका भी छिड़काव करूँगा। और कीड़े वगैरह कैसे मारें उसके ऊपर भी अगर मैं वीडियो बना पाऊँगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा फ्यूचर में। तो ये देखिए मेरा कलर, देखिए आप कलर से पता चल जाता है बर्ड्स की हेल्दीनेस के बारे में क्या साइन कर रहा है। देखिए लुटिनो, देखिए ऑरेंज फेस में लुटिनो कितना शानदार लग रहा है, सब ब्लैक आई में है, एक आध पेयर में, एक आध रेड आई में भी है, लेकिन इन सब चीज़ के पीछे लॉन्ग टर्म की मेहनत होती है। आप ये नहीं कि भाई, कई भाई मेरे कमेंट करके पूछते हैं भाई मेरे को एक महीना हो गया लाए हुए अपने लवबर्ड्स को या बजीज को या फिंचेस को, भाई वो ब्रीड नहीं कर रहा, मटकी में नहीं जा रहा, अंडे नहीं दे रहा। भाई ये कोई वो नहीं है कि आप प्रेशराइज़ करके आप किसी चीज़ से ब्रीड ले लेंगे, आप पहले एटमॉस्फेयर तो प्रोवाइड कराइए उसको, जैसे ही अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा वो खुद ब्रीड करेंगे, क्योंकि फोर्सफुल ब्रीडिंग तो आप करवा नहीं सकते, कितना भी अच्छा आप कोई भी नुस्खा दे दें उनको, नुस्खा कोई लोग कहते हैं दे दें आप उनको भले ही विटामिन ई, लेकिन मैं कहता हूँ विटामिन से प्रोवाइड कराइए उनको, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, क्योंकि विटामिन ए अगर खाएगा तो कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। विटामिन डी भी की वजह से भी बर्ड्स आपका सुस्त बैठा रहता है, क्योंकि आप कैप्टिविटी में रखते हैं, धूप वगैरह उसको मिलती नहीं है। तो और कैल्शियम हो गया, फ्रूट्स हो गए, आप ये ज़रूर दें। तो मैं
यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी बर्ड्स रखें, अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं तभी परचेस करें, बेवजह अपने शौक़ के लिए। शौक़ रखना है तो आपको उनका ध्यान भी रखना है, ख्याल भी रखना है। आप कैप्टिविटी में रख रहे हैं तो नो डाउट वैसे ही, क्योंकि एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, इन्हें कैप्टिविटी में ही सब पले होते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन जो भी ब्रीडर है, जो भी लोग इन्हें पालते हैं या ब्रीड करवाते हैं, वो सब पूरी चीज़ का ध्यान देते हैं, उनके एंटीबायोटिक का हो गया टाइम टू टाइम, उनके कैल्शियम्स का हो गया, उनके मल्टी विटामिन्स का हो गया, तो वो सब चीज़ जब ऑलरेडी पूरी होंगी तो कभी बर्ड्स आपका बीमार नहीं पड़ेगा। आप रेगुलर कोर्स तो आपको करवाना ही पड़ेगा, प्लस टाइम टू टाइम इनका आपको इनके ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा, कोई ऐसा तो नहीं कोई ऊँग रहा हो या फिर किसी के लूज मोशन स्टार्ट हो रहे हो, तो उन सब चीज़ पे भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है या लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और भी कोई भी आपके क्वेश्चन हों, सवाल हों, तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के, आपके सवाल की जवाब देने की। और इसी तरह इतना आपने मेरे को प्यार दिया तो आगे भी प्यार देते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो भी बर्ड्स लवर हैं उनको भी मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं। मेरे पास लव बर्ड्स हो गई, बजीज हो गई, फिंचेस हो गई, कॉकटेल्स हो गई, जावा हो गई, इन सब चीज़ के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी मेरे पास बड़ी बर्ड्स नहीं है, अभी छोटी जो भी बर्ड्स हैं सारी एग्जॉटिक वो मैं रखता हूँ, केवल एग्जॉटिक में डील करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर शेयर कर दें। चलिए अब हम वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ, कहता हूँ आप सभी को गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।